प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग, एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि नए कानूनों को लेकर ओबीसी जैसे मजहब के ठेकेदारों को काफी ज्यादा तकलीफ है और काफी ज्यादा उछल और मचल रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी का दबंग रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैटर नहीं करता है भाई, अगर 10 साल की बच्ची को इमेजिन कैसे कर पा रही है। अरे भाई, मैं आपको कैसे समझाऊं, अब मैटर कर रहा होता तो क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची आयशा से शादी की होती? फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें अगर मैटर कर रही होती तो क्या 6 साल की बच्ची खिलौना हाथ में लेकर के क्या वो प्रॉफिट मोहम्मद की बीवी बनी होती? ये मैटर नहीं कर रहा है, मैटर सिर्फ इतना कर रहा है ये देखना कि मुसलमान बेटी का सलवार कब लाल हुआ, उसको पीरियड्स कब स्टार्ट हुआ। मैटर सिर्फ इतना है, फिजिकल ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है। मेंटल ग्रोथ तो आप छोड़ दीजिए, उसको तो खत्म ही कीजिए, उस बात को तो खत्म ही कीजिए। इंटरकोर्स हो जाना चाहिए, पीरियड्स हुआ और इंटरकोर्स तैयार हो जाना चाहिए। और ये भी दिमाग से निकाल दीजिए कि बच्ची अगर 10 साल की है और 11 साल की है तो उसकी शादी 12 साल के बच्चे से होगी या 15 साल के या 18 साल के बच्चे से होगी? नहीं, उसकी शादी 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल के मर्द से होगी। ठीक है, आगे बता दो। ठीक है, अब आती हूं मैं कि अवेसी, आपने जो अभी बाइट दिखाया उस पर मैं सुबह से नेशनल न्यूज पे चिल्ला रही हूँ और गला दर्द कर रहा है। अवेसी ने मेहर की बात की है, तैन मेहर। जब हमारा निकाह होता है मुस्लिम शरीयत के हिसाब से, तो लड़की के साथ निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, कभी भी तोड़ा जा सकता है। और मर्द, अभी आपने दिखा ही दिया है कि मर्द कभी भी तोड़ सकते हैं, औरत तोड़ना चाहेगी तो उसको काफी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, लेकिन मर्द कभी भी किसी भी वक्त एक सुबह उठा और तलाक 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 बोल दिया और वो टूट गया। जिस इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को मैंने सर्वोच्च न्यायपालिका में बंद कर पाया, लेकिन वो अभी भी बंद नहीं हुआ और मदनी चिक चिक कर कह रहा है कि तलाक बंद करने से क्या हो गया, हमने बंद कर दिया और वाकई में बंद नहीं हो पाया है। उसने मेहर की बात की है, जिसको दैन मेहर कहा जाता है। निकाह में लेने के बाद और उसके साथ जिस्मानी रिश्ता अपनी बीवी के करने से पहले एक दैन मेहर देना पड़ता है लड़की को, जो दैन मेहर कोई मुसलमान लड़का नहीं देता है। इस्लाम के हिसाब से जहेज लानत है, मलामत है, नदामत है, सारी चीजें हैं, पर हर एक मुसलमान मर्द जहेज लेता है और इसी जहेज की वजह से गरीब मुसलमान बेटियों की बेटियां घर में 40-40 साल की हो रही हैं, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही इसी जहेज की वजह से, पर इस्लाम ने मना किया है। अब मेहर पर फिर मैं आ जाती हूँ। इन्होंने एक मिसगाइड किया है जो मैं सुबह से क्लियर कर रही हूँ। अरे इमाम पढ़ाता है, इमाम पढ़ाता है, इमाम निकाह पढ़ाता है और दैन मेहर होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट में तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। नहीं, झूठ बोल रहा है, सरासर साफ सुथरा झूठ बोल रहा है। ये जो एक्ट आया है या आपका जो मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, क्या आप सात फेरा लेने के बाद कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशन दायरे के अंदर क्या शादी को रजिस्टर नहीं करते हैं? करते हैं, हर हाल में करते हैं। तो उसी तरीके से आमंतो बिल्लाहे का सूरा पढ़ने के बाद, निकाह पढ़वाने के बाद, हर हाल में मुस्लिम कम्युनिटी के ब्राइड और ग्रूम को मैरिज रजिस्ट्री करना पड़ेगा और उस वक्त वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा। और वहीं पर इनको दर्द हो रहा है कि वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड हम दे देंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा कि माइनर है या एडल्ट है। ये दर्द वहां अटक रहा है, क्योंकि पहले क्या था कि ये मुस्लिम मुल्लाओं को रजिस्ट्रार बना करके बैठाया गया था, इनको वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से मतलब नहीं था। ये आमंतो बिल्लाहे का सूरा पढ़ते थे, कुबूले 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 बोल दिया, वो भी बोल दिया कुबूले कुबूले, उसको मतलब नहीं है कि बच्ची मच्योर हुई भी है कि नहीं हुई है, उसकी 18 साल हुई भी है कि नहीं हुई है, वो वोट देने के काबिल हुई भी है कि नहीं हुई है, उसका वोटर आईडी कार्ड है भी कि नहीं है,
उसने कितनी पढ़ाई की, पढ़ाई को भी मारी गोली, क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी में पढ़ाई लड़कियों के लिए है ही नहीं। अब यहाँ पर आमन तो बिल्लाहे का सूरह निकाह पढ़ने के बाद आपको सीधा चले जाना है या रजिस्ट्रार को बुला के रखना है और उसके बाद आपको अपनी शादी रजिस्ट्री करनी है और उसमें आपको आईडी कार्ड देना है। यहीं पर आप अरेस्ट हो जाएंगे, यहीं पर आप अरेस्ट हो जाएंगे। अब मेहर पर आती हूं मैं बात, कि निकाह तो तुम्हारा हो ही रहा है। अब कोई लड़की की शादी किसी मुसलमान मर्द से हो रही है, मान लीजिए मैं अपने आप को एग्जांपल में खड़ा कर देती हूँ, मैं फिर से शादी कर, मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट के द्वारा मैंने रजिस्ट्री किया निकाह के बाद अपनी अपनी शादी को, कानूनी एतबार से कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मैंने रजिस्ट्री किया, जो पासपोर्ट के लिए भी अब मैंडेटरी हो चुका है मुसलमानों के ऊपर, तो क्या मेरा शौहर अगर मुझे कोई तोहफा देना चाहता है तो क्या उसके लिए इमाम के खुतबे की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता है खुतबे की जरूरत है, वो तो दे सकता है कि भाई तुम मेरे साथ नाजिया अलाई खान बिस्तर पे जाने से पहले ये हीरे की अंगूठी रखो, या ये 2100 रुपया लो, या ये 1100 रुपया लो, या ये 5 रुपया लो, या ये 21 रुपया लो, अगर देना चाहता है तो इसमें आपत्ति तो कहीं पर नहीं है, दे ही सकता है, दे ही सकता है। या इसकी इसका दूसरा भी रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूल्हा दुल्हन सजिए सवरिए, रजिस्ट्रार को बुलाइए, रजिस्ट्री कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक तरीके से, और उसके बाद फिर आप अपने इमाम को भी बुला लीजिए, निकाहनामा भी पढ़वा लीजिए और उसमें आप दैन मेहर भी दे दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। ये जानते हैं, और अवेसी खुद बैरिस्टर है और ऊपर से बाहर से पढ़कर आया है, वो भी जानता है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि ये जो रिपील हुआ है मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसमें माइनर बच्चियों का जो आईडी कार्ड देखा जाएगा वहीं पर पकड़ में आ जाएगा, ये दर्द इनको, ये पीड़ा इनको सता रही है। अब मैं डिवोर्स पर आती हूँ। पहले क्या था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, जब चाहा तब दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हट गया और ये रिपील होने के बाद मर्द और औरत को इक्वल दर्जा मिल गया है। मर्द को अगर तलाक देना है तो भी तुम कोर्ट जाओ, औरत को खुला लेना है तो भी तुम कोर्ट जाओ। और इसकी मैं जिंदा मिसाल आपको बता देना चाहती हूँ। क्या 1947 से लेकर के 2024 तक में किसी भी मुसलमान मर्द को आपने किसी भी न्यायपालिका में देखा कि मेरी बीवी ने मुझे खुला दे दिया फॉर नो रीजन? नहीं देखा। लेकिन हमने 1947 से लेकर के 2024 तक हजारों लाखों करोड़ों मुसलमान बहनों को देखा है रोते कलपते गिड़गिड़ाते कि ये तलाक बंद करो, हमारी जिंदगी, हमारे माँ बाप सब जीते जी मर जाते। क्या आपने मर्द को लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जज कोर्ट में देखा है खड़े होकर के कि मेरी बीवी उनको छोड़ दी है, जज साहब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है? लेकिन जिस कोर्ट में भी आप कदम रखेंगे 1500 रुपए मेंटेनेंस के लिए मुसलमान बेटियां अपने अपने दूध पीते बच्चे को भी गोद में लेकर के मारी मारी फिरती है, और शौहर ये बात डॉक में खड़ा होकर के बोलता है अभी तो छाती का दूध पी रहा है, अभी काहे देंगे 1500 रुपया? ये हो गया। तो मैरिज, ये जो आसाम एक्ट 9 मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 था, ब्रिटिश का बनाया हुआ, इसमें दाढ़ी और जाली टोपी वाले को पूरी अनुमति थी कि आप मर्दों के पक्ष में फैसला सुनाते रहिए और मुसलमान औरतों को बर्बाद करते रहिए। ठीक है, अब आती हूं मैं कि मोदी जी ने 2021 में एक बात कही थी, आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल कही थी। उसके बाद फिर मोदी जी ने अपनी स्पीच में 2018 में एक बात कही थी, पसमानदा मुसलमान बेटियां, जब बेटी पढ़ती है तो दो संसार पढ़ता है, एक उसके माता पिता का और एक उसके ससुराल का। तीसरी बात उन्होंने पश्चिम बंगाल के उलबेरिया में कहा था, अपने मंच से अपनी स्पीच के द्वारा, और मैं बहुत पीछे खड़ी थी, तुसी में दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा था कि बेटियां का शिक्षित होना उतना ही जरूरी है जिस तरह से एक स्कूल के टीचर का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और इंटेलिजेंट होना जरूरी है।
जब बेटी पढ़ी लिखी होती है तो उसका कोख और उसकी गोद पढ़ी लिखी होती है, तो जब आने वाला फ्यूचर होता है, आने वाला बच्चा होता है, तो वो भी पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि जो कोख और गोद पढ़ी लिखी होगी तो वो जरूर पढ़ाएगी। पर आपने आपने अवेसी को कभी देखा कि वो कह रहा है कि मुसलमान बेटियों को पढ़ना चाहिए? आपने बर्क को कभी देखा कहा कि मुसलमान बेटियों को पढ़ना चाहिए? मदनी को कभी देखा मुसलमान बेटियों को पढ़ना चाहिए? आपने इमाम बुखारी को कभी देखा मुसलमान बेटियों को पढ़ना चाहिए? आपने कांग्रेस की सरकार को कभी देखा मुसलमान बेटियों को पढ़ना चाहिए? आपने समाजवादी पार्टी को कभी देखा मुसलमान बेटियों को पढ़ना चाहिए? आपने तृणमूल कांग्रेस की सरकार को देखा कभी मुसलमान बेटियों को पढ़ना चाहिए? आपने कभी लेफ्ट फ्रंट की सरकार को देखा कि मुसलमान बेटियों को पढ़ना चाहिए? कभी कोई नहीं बोलता, कभी कोई नहीं बोलता मुसलमान बेटियों को ना पढ़ने के लिए। सब बोलता है मुसलमान बेटियों की शादी 10 साल 11 साल 12 साल में हो जाए, इसके लिए सब कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन मुसलमान बेटियां चांद सितारा छू ले, मुसलमान बेटियां उड़े पंख लगा करके, इसके लिए सिर्फ मोदी जी बात। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आपको ये कानून समझाया और क्यों शांति दूतों को इससे ज्यादा तकलीफ हो रही है ये भी आपको अच्छे से समझाया। और आपने देखा इस पूरी बात का मतलब यही निकलता है कि शांति दूतों और मजहब के जो ठेकेदार हैं इनको रहना तो भारत में है पर भारत के कानून से ज्यादा तकलीफ है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।